रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने विकासखंड जखोली के 13 शहीदों के आश्रित एवं परिजनों को तामपत्र व सॉल भेंट कर सम्मानित किया। शहीद सैनिकों के परिजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकासखंड जखोली सभागार कक्ष में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम के दौरान विधायक चौधरी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा हर पांचवा जवान राज्य का वीर सपूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश आजादी से अभी तक यहां के सैनिकों के पराक्रम को देखते हुए यहां पांचवा धाम सैन्य धाम स्थापित करने की घोषणा की है। देश के सर्वोच्च सैन्य पद सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन व्यक्ति उत्तराखंड मूल के हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनपद मुख्यालय में भी सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सैनिकों के सम्मान सहित उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्वयं को सैनिक पृष्ठभूमि का होने पर गौरवान्वित होने की बात की है। उनके आंगन की माटी को लेकर के देहरादून में सैन्य धाम का जो निर्माण कार्य होगा उसी सिलसिले में आयोजित ये शहीद सम्मान कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक यहाँ जखोली विकास खंड में सम्पन्न हुआ और 13 शहीद परिवारों की जो मिट्टी है उनको यहाँ पे संकलित किया गया और उसको देहरादून भेजा जाएगा। तो आज हमारे सरकार की तरफ से जो ताम्रपत्र प्रशस्त पत्र थे वो उनको प्रदान किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारी गौरवशाली सैन्य परंपरा है उत्तराखंड की उसका सम्मान ये सरकार कर रही है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल ने सैनिकों के सम्मान में शहीद सम्मान यात्रा पर राज्य में पांचवा धाम सैन्य धाम की स्थापना को सैनिकों व राज्यवासियों हेतु बड़ा सम्मान बताया। समारोह में जखोली के 13 शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ने के साथ ही तामपत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं लोक गायक विक्रम कपरवार ने सैनिकों पर आधारित गीत अमर शहीदों तुम तय सत सत प्रणाम गाकर उपस्थित अतिथियों व सैनिकों के परिजनों को मंत्रमुग्ध किया। शहीद सम्मान यात्रा के तहत आज इससे पहले उखीबट ब्लॉक और अगस्मिनी ब्लॉक का जो है अगस्मिनी में कार्यक्रम संपन्न हुआ था, उसमें सैनिक कल्याण मंत्री माने गणेश जोशी जी शामिल हुए थे और आज किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट। देश किसान अमर शहीदों तुम थे सत सत। Thank you.